तूफान जारी हुआ था, रेतीला तूफान, वो पूरे चीन में फैल चुका है। जी हाँ दोस्तों, चीन के पूरे शहर में यह तूफान फैल चुका है। यह तूफान 300 फुट ऊंची रेत की दीवार बना दी है पूरे चीन में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो बड़ी तस्वीरें आप जो देख रहे वो चीन से निकल के आ रही है। चीन में दोस्तों कल एक तूफान जारी हो गया था, एक नई आफत जारी हो गई थी, जो कि रेत की तरह यह तूफान दिखता है। आपको बता दें यह तूफान 300 फीट ऊंचा है, जो कि एक रेत की दीवार जैसा बन गया है। दोस्तों चीन में रेत तूफान का सिलसिला अभी खत्म नहीं हो रहा है। ताजा घटना आपको बता दें कि चीन के शहर से निकल के आ रही है। चीन के कई शहरों में 30 फुट से ज्यादा ऊंचा एक रेत की दीवार पूरे शहर को धीरे धीरे ढक रही है। जी हाँ दोस्तों, चीन का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो चुका है। आपको बता दें कि चीन में बाढ़ का कहर अभी भी जारी है और इसी बीच एक नई आफत ने दस्तक दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, कल से यह तूफान पूरे चीन में धीरे धीरे फैल रहा है और आज पूरे चीन को यह तूफान, ये रेतीला तूफान ढकने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार ऐसी तूफान 1000 साल के बाद चीन में नजर आई है। बताया जा रहा है कि रेत का महातूफान जारी हो गया है, गोभी के रेगिस्तान से उठा था। इस तूफान में वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख, जिस प्रकार आप अपने फोन के तस्वीरों में देख रहे हैं, इस प्रकार की तूफान चीन में आई है। आपको बता दें दोस्तों, इस तूफान के आने के बाद, इस रेतीला तूफान के आने के बाद शहर में जैसे ही घुसा वैसे ही ऊंची ऊंची इमारतें दिखना बंद हो गई है। रेतीला तूफान आने के बाद पुलिस ने सभी प्रमुख रास्तों को बंद कर दिया है और लोगों को आवाजाही पर रोक लगा दी है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि चीन में यह तूफान कई शहरों में दस्तक दे चुका है, जिसके कारण कम से कम 10 लाख लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचा दिया गया है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक 137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान चीन के शहरों में बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो बड़ी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, वो सीधा चीन से निकल के आ रही है। चीन में 7 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है, जिनके बीच 1,10,000 से अधिक लोग इस तूफान से प्रभावित हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तरी प्रांत में सैकड़ों नौकाओं को बंद कर दिया गया है, 288 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इस तूफान की वजह से रेलवे लाइन के कई सेक्शन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो बड़ी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार की हाल हो चुकी है चीन में। चीन में अधिकारियों ने 150 दमकल गाड़ियों और 113 नावों के साथ लगभग 1000 सदस्यों की बचाव टीम को इकट्ठा किया है, जिसके बाद लोगों को इस तूफान से ये टीम उन लोगों को बचा रही है। इसी बीच दोस्तों, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, चीन में इस रेतीला चक्रवाती तूफान के कारण चीन का सबसे बड़ा जहाज डूब गया है, जिसके कारण 130 लोग लापता हो गए और 146 लोगों की जान चली गई है। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर, जो सबसे बड़ी तस्वीरें निकल के आ रही है, चीन के उत्तरी समुद्र तट से निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, चीन के उत्तरी समुद्र तट में जैसे ही यह रेतीला तूफान पहुंचा, वैसे ही दोस्तों चीन के एक बड़े जहाज पानी में डूबने की वजह से दोस्तों जहाज में बैठे 130 लोग लापता हो गए और 146 लोगों की जान चली गई। तूफान से बढ़ती तबाही की खबर सुनकर दोस्तों पूरा दुनिया हिल चुका है। आपको बता दें कि चीन में ऐसी तूफान 1000 साल के बाद ऐसा महाप्रलय देखा गया है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का दावा है कि इस प्रकार का तूफान पूरे दुनिया में कभी नहीं देखा गया है। जी हां दोस्तों, इस वक्त की जो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, वो सीधा चीन से प्रसारित हो रही है। आपको बता दें कि चीन में समुद्र